नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है रॉयल मेडिकल। ध्रुवा में लोगों पर पिस्तौल लहराने वाले 3 युवक पुलिस हिरासत में। मार्च लूट की आशंका को देखते हुए एटीएम पहुंचे ट्रेजरी कार्यालय, वित्तीय लेनदेन पर रखी निगाह। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना, सभी अधिकारियों को रेड अलर्ट जारी। और मांगो जवाहर नगर में दो पक्षों में भिड़ंत के बाद क्षेत्र में तनाव। रांची के ध्रुवा क्षेत्र में पिस्तौल लहराने और आम लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे 3 युवकों को पिस्तौल और जीवित कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मजे की बात यह है कि तीनों युवक अच्छे घराने के हैं और हाईली क्वालिफाइड हैं। ध्रुवा थाना क्षेत्र में 3 युवक हाथ में बंदूक लेकर लोगों में डर और भय का माहौल बना रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर ध्रुवा थाना में एक देसी रिवॉल्वर, जिंदा गोली और हुंडई कंपनी की एक कार के साथ तीनों युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ध्रुवा थाना क्षेत्र में 3 से 4 युवक सफ़ेद रंग के कार में हथियार लहराते हुए लोगों के अंदर भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से हथियार लहरा रहे थे और घूम रहे थे। ध्रुवा थाना के गुप्त सूचना आधार पर युवाओं को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। गाड़ी में 4 युवक मौजूद थे, जिसमें से 3 युवक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक युवक फरार होने में सफल रहा है। चारों युवक अच्छे पढ़े लिखे हैं और एक तो ग्रेजुएट है तथा दूसरा ITI किया हुआ है। ये लोग बिजनेस में बंदूक दिखाकर मैनेज करने का काम करते थे। तीनों युवक ध्रुवा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। कल दिनांक 29/3/2021 को ध्रुवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूचना मिली थी कि JP मार्केट के एरिया में कुछ लोग एक गाड़ी में हथियार के साथ आए और वे शायद वहां पे कुछ माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चूंकि ऐसी सूचना थी तो थाना प्रभारी जो है अपने साथ पदाधिकारी और बल लेकर वहां पर पहुंचकर जिस गाड़ी का की सूचना थी उसको घेराबंदी की। उसी घेराबंदी में जो है 4 लोग थे, जिसमें से हथियार जो है वो दीपक कुमार उर्फ भीम के पास से मिला था और उनके साथ जो अभय कुमार और आर्यन कुमार पकड़ाए हैं और जो है इसमें एक जो है बंदा इसमें फरार हुआ है। वित्तीय वर्ष के समापन के दौरान संभावित मार्च लूट की आशंका को देखते हुए ADM लॉ एंड ऑर्डर NK लाल बुधवार को ट्रेजरी कार्यालय पहुंचे और तमाम वित्तीय लेन देन का निरीक्षण किया। जमशेदपुर के ADM लॉ एंड ऑर्डर NK लाल ट्रेजरी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने वित्तीय वर्ष के समापन के दौरान होने वाले संभावित मार्च लूट के खतरे को देखते हुए जाँच की। हालांकि इस दौरान उन्होंने ट्रेजरी में कोई गड़बड़ी नहीं पाई। वैसे लिंक की समस्या होने के कारण सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा था, जिसे शाम तक दुरुस्त होने की बात कही गई। उन्होंने बताया लगभग सारा बिल क्लियर हो चुका है और थोड़ा बहुत जो बचा है शाम तक क्लियर हो जाएंगे। मार्च लूट जैसी संभावना से उन्होंने साफ तौर से इनकार किया है। इस दौरान ADM ने रजिस्ट्रार ऑफिस का भी निरीक्षण किया। लोग नहीं बनाए और किसी को गलत फहमी के जैसे कोई स्टाफ किसी को तंग ना करे, किसी को देखने के लिए हम लोग किया था ताकि स्मूथली काम हो। यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है और कोई बिल का भी कोई प्रेशर नहीं है। खाली सर्वर थोड़ा ठीक तो बहुत स्लो चल रहा है, ये कोई समस्या और कोई समस्या नहीं। अगर स्लो चल रहा है तो सर ऐसे में फंड के लिए बहुत दिक्कत होगा। फिर अभी तो टाइम है, शाम को 5-6 बजे हम चलेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के दूसरे लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। राज्य भर में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी अधिकारियों और सिविल सर्जनों को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना के दूसरे लहर को लेकर झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग हलकान है।
बीते एक हफ्ते के भीतर जिस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको लेकर एक बार फिर से राज्य सरकार ने सभी जिलों के सिविल सर्जन और जिला अधिकारियों को अलर्ट जारी कर दिया है। इधर जमशेदपुर में भी हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने पूरे जिले के इंसिडेंट कमांडरों की प्रतिनियुक्ति कर दी है। इधर जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से सिद्धगोड़ा स्थित प्रोफेशनल कॉलेज का दौरा किया गया। टीम में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और जीएनसी के विशेष पदाधिकारी मौजूद थे। विजिट किया गया है सिद्धगोड़ा टाउन में, सिद्धगोड़ा जो प्रोफेशनल कॉलेज है, तो इसमें हम लोग आज विजिट कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि अगर कोरोना मरीज बढ़ते हैं और सीरियस कंडीशन होता है तो पुनः हम लोग इसको बहाल करेंगे। आप देखेंगे कि पूर्व में जो हम लोग व्यवस्था किए थे यहाँ पे सिलेंडर गैस से लेकर के सारे बेड लगे हुए हैं और तमाम वो सुविधाएं हम लोग जो उस समय मरीज को देते थे वो पुनः हम लोग बहाल करने वाले हैं। मानगो जवाहर नगर में एक फल विक्रेता की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पूरे क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया है और दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी भी हुई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 13 के पास सोमवार को हुए फल विक्रेता से विवाद इतना बढ़ा कि मंगलवार देर शाम इलाके में दोनों पक्षों के बीच पथराव आरंभ हो गया। इधर इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए मानगो पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। पुलिस को देखते हुए सभी मौके से फरार हो गए। इस घटना में फिलहाल किसी को चोट लगने की सूचना नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को जवाहर नगर रोड नंबर 14 निवासी अफसल रोड नंबर 13 के पास फल विक्रेता तन्नू से फल खरीदने पहुंचा था। फल देने में देरी होने से दोनों के बीच विवाद हुआ। तन्नू ने अफजल पर वार किया जिससे अफजल के सिर पर गंभीर चोट आई। इस घटना के बाद जाकिर हुसैन के बयान पर तन्नू और दो अन्य मामले में थाना दर्ज किया गया है। इधर मंगलवार की देर शाम पीड़ित पक्षी ओर से 50 से 60 की संख्या में लोग रोड नंबर 13 के पास पहुंचे और अचानक पथराव शुरू कर दिया। हम भैया गए अपना बहन घर, ठीक है, कल नहीं जा पाए तो दीदी को बोला बाबू मीठा उठा खा लेना। ऊपर हम गाड़ी खड़े किए, देखिए गाड़ी वॉशिंग सेंटर का धंधा करते हैं, हमको लड़ाई झगड़ा तो कोई मतलब नहीं है। वो लोग पिया खाया हुआ है, सब लोग एक बेगा रेंच में जाके मीठा उठा खा के बाथरूम दर से निकल रहे हैं। झगड़ा करते हुए आया तब बोले भीड़ का चीज का मिसाइल में बैठ गए, पकड़ के मारना चालू मारा बारे में रोड में रगड़ के। कल फल लेने को लेकर के फल दुकान के वाले के साथ में उलझन हुआ था, जैसे फल दुकान वाले जिसमें मार्केट हुआ जिसमें उसका FIR हम लोग किए हैं। फल वाले दुकान वाले को हम लोग ढूंढ रहे बट वो घर से भी फिरार है। उसी को लेकर के दूसरा पक्ष जो है उसको मार्केट के उद्देश्य से आया था बट हम लोग तत्परता तुरंत आया तो वो लोग सभी भाग। सीताराम डेरा गुरुद्वारे के सेवादार मंजीत सिंह को कमेटी के सदस्यों ने मंगलवार को पीट कर घायल कर दिया। बुजुर्ग सेवादार ने कमेटी के 4 सदस्यों के खिलाफ सीताराम डेरा थाना में एक FIR दर्ज करवाया है। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत बाबा सिंह दीप गुरुद्वारा के सेवादार मंजीत सिंह की मंगलवार को कमेटी के सदस्यों ने जमकर पिटाई कर दी जिससे वे घायल हो गए हैं। बुजुर्ग सेवादार बुरी तरह घायल हुए थे, उनको लेकर रंगटा महासभा द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गई है। महासभा ने कमेटी के अविनाश सिंह, रिक्की, सरबजीत सिंह और सुरजीत सिंह के खिलाफ सीताराम डेरा थाना में FIR दर्ज कराया गया है। महासभा के सदस्यों ने बताया कि सेवादार मनजीत सिंह मंगलवार की शाम गुरुद्वारा मत्था टेकने गए थे। इसी बीच अविनाश, सरबजीत और सुरजीत सिंह ने मनजीत सिंह पर जानलेवा हमला किया जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। महासभा ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जिले के SSP से मुलाकात की है। सिख समाज के लोग जो है कि लॉकडाउन में जगह जगह लंगर और जगह जगह राशन बांट रहे हैं और एक तरफ गुरुद्वारे में कुछ असामाजिक तत्व जिनका मेंटेलिटी जो है कि गुंडा तत्व जो लोग मेंटेलिटी रखते हैं वो अभी गुरुद्वारा के पदाधिकारियों में काफ़ी खोल के बैठे हुए हैं। तो पिछले 4-5 सालों से मंजीत सिंह जी ये जो वहाँ पर जो है कि सेवा का काम करते थे और संगत के पैसों से जो किए 10-20 रुपया इनको दिया जाता था उन्हीं से अपना घर का गुजर बसर ये कर रहे थे और वो पेमेंट नहीं देते और इनको पेमेंट भी कुछ नहीं देते थे। और गुरुद्वारे के जो महासचिव हैं और वहाँ के दो पदाधिकारी सुजीत सिंह, अविनाश सिंह। सोनारी थाना अंतर्गत कपाली बस्ती में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट की घटना हुई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस और QRT की टीम ने मौके से आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे अभी भी पूछताछ जारी है।
सुनारी थाना अंतर्गत कपाली बस्ती में बीती रात हुए मारपीट मामले में सुनारी थाना पुलिस द्वारा मोहित वर्मा नामक युवक को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर मोहित वर्मा की पत्नी ने सोनारी थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोहित वर्मा की पत्नी ने सोनारी थाना पुलिस पर अपने पति को मारपीट कर जबरन जेल भेजने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि जबरन उसके पति पर झूठा मुकदमा दर्ज कर सोनारी थाना पुलिस ने उन्हें जेल भेजा है। इतना ही नहीं, महिला ने सोनारी थाना पुलिस के पुलिसकर्मियों पर खुद के साथ एवं उनकी बेटी के साथ मारपीट और भद्दी गालियां देने का भी आरोप लगाया है। क्या हुआ, क्या मामला है? मेरा पति को पूछताछ करने के लिए यहाँ पर लाया था, तो हम बोले ठीक है, बस्ती का मामला है, पूछताछ कर रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहना है, पूछताछ कर रहे तो मुंह से कीजिए ना सर, हाथ जोड़ रहे हैं, मेरे आदमी को मार मार के मत पूछिए। कौन मारा है? पूरा पुलिस जितना आया था फोर्स लोग, और रेणु गुप्ता मार मार के पूछ रहा था। उसके बाद हम आए, हम बोले मेरे आदमी को मत मारिए, मुंह से पूछिए ना, झगड़ा कौन किया है, आप लोग पूछताछ बुलाए हैं तो पूछिए। क्या नाम है आपका आदमी का? मेरा आदमी का नाम रोहित वर्मा है, उसको दम भर मारा है, वहाँ भी मारा है। उसके बाद में हमको नहीं जा रहा बल्कि पूरा पुलिस, लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस भी मेरे को मारा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। Welcome to city's favorite play school, laugh and learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल, द बेस्ट प्ले स्कूल ऑफ योर टाउन, लाफ एंड लर्न। ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट विथ क्वालिटी एज वेल, learning through play way method, prepare your child with love and care, well qualified teachers, aapke bachcho ki bunyadi shiksha ke liye ek kamyab pehel, with all facilities, providing your child the best pre nursery education by play way method. Physical, mental and emotional growth of your child. Love and learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board. Gayatri Shiksha Niketan, CBSE affiliated. Aapke bachcho ke sunahre bhavishya ka dusra naam. गायत्री शिक्षा निकेतन, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cake, wedding cake. Fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake, and school order specials. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी वाजिब मूल्य, शूटिंग शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडर गारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट एमबी ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768। रॉयल मेडिकल। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. We'll be right back.
मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674, 7070343333। Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India। विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान। Iconic Overseas Services, Road No. 2, Magdampur, Post, Tata Nagar, Parsuri, Jamshedpur। Contact 9693916751, 9693916752 and 0657229080।